नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ यानी प्योर एंड जेनरिक न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात के अंकलेश्वर नगर क्षेत्र के यूनियन बैंक में आज सनसनी लूट की घटना के बाद में राजपिपला चौकड़ी के समीप पीछा कर रही पुलिस पर एक लुटेरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अंकलेश्वर पिरामना नाका के पास यूनियन बैंक के लूट की घटना है। भरूच एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फायरिंग में एक घायल हो गया है। बाइक सवार तीन लुटेरों ने लूटपाट कर सूरत की ओर भाग रहे थे। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो चलिए देखते हैं आगे का रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर गौतम जी बारोट के साथ में। सांजे 4 वाग्या आसपास यूनियन बैंक अंकलेश्वर सिटी खाते दुकानीधारीओ द्वारा बैंक में लूट नो अटेम्प्ट थयेलो छे। जेनी अंदर चार आरोपी हाल में प्राइमरी तपास में खुलेल छे। बे बाइक पर आरोपी आवेला हता। जे लोकोए लूट चलावीने निकलता हता ते दरमियान एलसीबी नी टीम ने जाण थता तेमने पकड़ी पाड़वामां आवेल छे। एक आरोपी ने अमारा फायरिंग दरमियान इंजरी थयेली छे। तेमना द्वारा पण फायरिंग करवामां आवेलुं हतुं आरोपीओ द्वारा पण। हालमां 22,70,000 नो मुद्दामाल अने 3 देशी कट्टा तमंचा रिकवर करવામાં આવેલ છે। અત્યારે હાલમાં કોઈ આગળના આરોપીઓ પકડવાની તજવીજ ચાલી રહી છે। પ્રાથમિક તપાસમાં શું બહાર આવ્યું છે? હાલમાં તપાસ ચાલુ છે।